हेलो दोस्तों, क्रक्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें हम जो एसएससी जनरल स्टडीज़ जो पिनाकल की जो बुक है, जिसमें जो भी ये टीसीएस के जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसको हम 25-25 का सेट बना के करेंगे। तो आज ही पहली क्लास है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पॉलिटी से, यानी कि पॉलिटी के हम 25 क्वेश्चन का सेट देखेंगे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, ऑल इंडिया सर्विस और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सोचिए इसका फिर। तो इसका राइट आंसर है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो तीनों है ना, ड्यूल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल, यानी किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा था। तो इसका राइट आंसर है केसी वियर, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा था। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं, तो रटना ही पड़ेगा, तो आप रट लेना। बाकी जिसमें अगर थोड़ा कुछ हुआ मतलब बताने का तो मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1947। बी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। सी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल सॉन्ग को जनवरी 1948 में अपनाया था। और डी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल फ्लैग को जुलाई 1949 में अपनाया था। तो इसका राइट आंसर है बी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने नेशनल एंथम को जनवरी 1950 में अपनाया था। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो थोड़ा सा ये है कि जो हमारा जो नेशनल एंथम था ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, और जो नेशनल एंथम है वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सेशन में गाया गया था। ये हमें याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आते हैं कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था, और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को ये कोलकाता सेशन में गाया गया था। ठीक है ना, और बाकी रही ऊपर वाले ऑप्शन की बात, तो उसमें देखो ये कि जो ये जो इंडिया की जो मेंबरशिप थी ना कॉमनवेल्थ की, ये रेटिफाई हुई थी मई 1949 में, ना कि 1947 में। ठीक है, और बाकी ऐसे है कि जो जो नेशनल जो सॉन्ग था, जो कि हमारा क्या है वंदे मातरम, उसको उन्होंने अपनाया था कब, 1947 में, 22 जुलाई 1947, नहीं सॉरी, जो हमारा जो नेशनल सॉन्ग था ना वो कब किया गया था, 22 जनवरी 1950 को। ठीक है, और ये जो हमारा जो नेशनल फ्लैग था ना, इसको करा गया था 22 जुलाई 1947 को। तो थोड़ा थोड़ा आप डेट को भी थोड़ा सा याद रखेंगे ना, तो थोड़ा से आइडिया लगने में आपका आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है ना, उसमें कितनी फीमेल मेंबर थी। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी 15, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें 15 फीमेल मेंबर थी। ठीक है, और कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करनी है, ये आइडिया किसने किया था, ये दिया था एमएन रॉय ने। ठीक है ना, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करें, तो वहाँ उसका जो टेम्पररी चेयरमैन था वो कौन था, वो थे सचिदानंद सिन्हा, और परमानेंट चेयरमैन कौन था, वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हम एडवाइज़र की बात करें, तो वो कौन थे, बी एन राव। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमें पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। तो ये कि थोड़ा थोड़ा आप हर चीज़ को थोड़ा सा याद रखोगे,
और थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड रखोगे यार, तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउसिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हाउसिंग कमेटी थी ना, उसका चेयरमैन कौन था। तो इसका राइट आंसर है बी पताबी सीतारामैया। ये हाउसिंग कमेटी के जो थे ना वो चेयरमैन थे। ठीक है, बाकी है तो इसमें और भी कई सारे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज जाएगा, तो आप ये याद रखो कि बी पट्टाभि सीतारमैया जो थे वो हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उससे अगला क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट प्रिसीड द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेम्बल है उसमें रिपब्लिक से पहले इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द नहीं आता। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली में है क्या क्या। तो अगर आपको याद होगा तो हम बता पाएंगे आप कि इसमें क्या फेडरल वर्ड नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम बोलते क्या है कि भाई प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सौवर्ण सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें उन्होंने कहा रिपब्लिक से पहले कौन सा शब्द नहीं आता, तो सौवर्ण आ रहा है, सोशलिस्ट आ रहा है, डेमोक्रेटिक आ रहा है, लेकिन फेडरल तो कहीं नहीं आ रहा। तो इसलिए यही एरर है, मतलब एरर मतलब ये इसमें रॉन्ग है कि भाई फेडरल वर्ड नहीं आता, बाकी सारा आता है। तो हमें क्या याद रखना है कि सौवर्ण सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये प्रेम्बल डिक्लेयर करता है इंडिया को। ठीक है ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज़ द चेयरमैन ऑफ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब किस कमेटी के थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि वो थे चेयरमैन थे क्रेडेंशियल कमेटी के, यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के क्रेडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, बाकी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसकी इसकी और एक दो इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो देख लेते हैं हम। क्रेडेंशियल कमेटी के तो हो गए कृष्ण अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और जो हमारी यूनियन पावर कमेटी थी उसके कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, एक थी हमारी बिजनेस कमेटी उसे कौन हो गए, के एम मुंशी। और एक थी फंडामेंटल राइट कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी उसके कौन थे, जे बी कृपलानी। तो इसके अलावा तीन कमेटी और देख सकते हो कि जो क्रेडेंशियल कमेटी थी उसके तो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो हमारी यूनियन पावर कमेटी थी उसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारी बिजनेस कमेटी थी उसे कौन थे, के एम मुंशी, और जो फंडामेंटल राइट कमेटी थी उसे कौन थे, जे बी कृपलानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस सेक्शन के तहत रिकॉग्नाइज की गई थी। तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ये है सेक्शन 81, इसके तहत इसको मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था, सेक्शन 81। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि जी बी मावलंकर जो थे वो किस कमेटी के चेयरमैन थे। जी बी मावलंकर थे वो हमारे किस कमेटी के चेयरमैन थे। तो इसमें अगर आपको पता हो तो वैसे याद भी हो, तो जी बी मावलंकर जो थे हमारे फर्स्ट स्पीकर भी थे लोकसभा के। ठीक है ना, आपको याद हो तो फर्स्ट स्पीकर थे किसके, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर है जी बी मावलंकर। और यहाँ इसका एक राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कमेटी ऑफ ऑन द फंक्शंस, इसके ये अध्यक्ष थे, और जी बी मावलंकर हमारे फर्स्ट स्पीकर भी थे लोकसभा के। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के का 10th सेशन कब हुआ। तो वैसे अगर हम देखें मतलब इन टोटल, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 11 सेशन हुए थे पूरे, जो होते थे ना मतलब टोटल 11 सेशन हुए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए थे
कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब ड्राफ्ट करने में, बनाने में, और टोटल 11 सेशन लिए थे। तो हम मतलब मोटा मोटा याद कर सकते हैं, अब डेट तो याद नहीं कर सकते, ये तो मतलब क्वेश्चन आ गए तो आपको या तो याद है तो रटा हुआ है तो कर लो, बाकी एक एक डेट तो कौन करेगा। तो आप इसमें रट सकते हो कि भाई 10th सेशन उसका हुआ था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, ये जो उसका 10th सेशन हुआ था। बाकी जो याद करने की बात यही है कि टोटल 11 सेशन हुए थे, और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, वो था 2 साल 11 महीने 17 दिन। ठीक है ना, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946। 1946 में मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन बंदा था, है जो भी पर्सन था वो पार्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो इसका राइट आंसर है अम्मू स्वामीनाथन। जो अम्मू स्वामीनाथन था वो पार्ट बने थे मद्रास कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इस बारे में थोड़ा एक दो बात और देख लेते हैं कि जो ये अम्मू स्वामीनाथन थे ना, वो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी पार्ट थे जो कि हमारी हुई थी 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब थी? 1942 में, तो उसका भी एक पार्ट रह चुके हैं। ठीक है ना, और ये तो आपको पता ही है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसके प्रेजिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? हरेंद्र मुखर्जी। ये इतना याद रख लो बस आप कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट थे हरेंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसमें कितने मेंबर थे? जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, जिसके हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? तो इसका आंसर है 7 मेंबर थे टोटल। और थोड़ा और देखें तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है ना, बाकी 7 मेंबर के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप इतना रख लो कि 7 मेंबर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। उससे अगला क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो हाथ से किसने लिखा था, मतलब उस बंदे का नाम क्या जिसने कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा था? तो उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, और इनको टोटल कितना, मतलब इनको टोटल लग गया था 6 मंथ लग गया था लिखने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 1 प्रीएम्बल था। ठीक है ना, इनको टोटल 6 महीने के आसपास का टाइम लग गया था इसको लिखने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 1 प्रीएम्बल है। और इन्होंने जो लिखा था ना कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा था, तो उसमें इनको टोटल इतना समय लग गया था। इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक प्लेस। तो जैसे इसके जैसा ही मतलब हमने क्वेश्चन करा भी था, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा ही पूछ रहा है आजकल, कि भाई टोटल 11 सिटिंग हुई थी इनकी, 11 सेशन हुए थे। तो उसमें तो उन्होंने पूछा था कि हमारा 10th सेशन कब हुआ था, और अब इसमें उन्होंने पूछा कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। ठीक है ना, तो इसका जो है मतलब आपको जो याद रखना है वो यही है कि भाई जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में, पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हुई थी दिसंबर 1946 में। ठीक है ना, और डेट तो वैसे याद रखने की ज़रूरत है नहीं आपको, बस इतना याद रखो कि 1946 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मतलब मिनिमम क्या एज है जिसके द्वारा किसी को भी राज्य का गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 35 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए पर्सन की टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। और मतलब हमारे उसमें जो आर्टिकल है 153 वो कहता है हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। एक मिनट, जो आर्टिकल है 153 वो कहता है हर स्टेट का गवर्नर होना चाहिए। ठीक है ना, और ये भी आप याद रखो कि एक से ज़्यादा स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है, यानी एक गवर्नर 2-3 स्टेट में भी काम कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक स्टेट में एक ही गवर्नर होगा,
वो 2 से 3 स्टेट को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन ही ठीक है। अगर आप बताना अपना रिस्पॉन्स देना, अगर लगेगा कि मतलब अच्छा है तो कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को, वरना कुछ और सोचेंगे और क्या, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।